छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं देखेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो में, क्योंकि यह जो वीडियो है आपका थ्योरी क्लासेस रहेगा, जिसमें मॉडल पेपर 5 वीडियो है ना। पेपर 4 तक हमने अपलोड कर दिए गए वीडियो पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आप महिला पर्यवेक्षक से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो खास वीडियो लेकर आए हैं। यह आपका पार्ट 5 वीडियो है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपका थ्योरी क्लास में आपका कवर हो जाएगा। तो जितने भी महिला पर्यवेक्षक से जितने भी योजनाएं हैं आज हम इस क्लास में देखेंगे। पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा नए स्टूडेंट के लिए। जितना हो सके इस वीडियो पर लाइक करते जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं महिला पर्यवेक्षक से संबंधित विभिन्न योजनाओं से प्रश्न। हरिक नानी बेरा अभियान, हरिक नानी बेरा अभियान कब प्रारंभ किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2019 में। स्थान है बस्तर। उद्देश्य है आपका महिलाएं एवं बच्चों जो कुपोषण एवं एनीमिया से पीड़ित हैं उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। याद रखना बच्चों, या याद रखना स्टूडेंट, जितने भी अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर अवश्य बनेंगे। एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो हो सकता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारी मेहनत को देखते हुए स्टार्ट करते हैं फिर बाल विकास की विभिन्न योजना। तो देखिए फिर से हम आपको एक बार रिवीजन कराते हैं। हरिक नानी बेरा अभियान जो 2 अक्टूबर 2019 में प्रारंभ किया गया है। स्थान है आपका बस्तर। एग्जाम में पूछ सकता है कि हरिक नानी बेरा अभियान का उद्देश्य क्या है, तो आप बताइएगा। मेन टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, महिलाएं एवं बच्चे जो कुपोषण एवं एनीमिया से पीड़ित हैं। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, या फिर उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, तो आपका एक नंबर यहाँ से बन सकता है। उसी प्रकार चलिए देखते हैं चकमक, ये जो चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम है, सहयोग की भावना है यूनिसेफ द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कौन सी क्लास चल रही है? पार्ट 5 वीडियो, जिसमें पूरी योजनाओं से संबंधित क्लासेस रहने वाली है। यहाँ से आपका एग्जाम में 2 से 3 नंबर प्रश्न बनेगा। तो उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी के बच्चों के समग्र विकास हेतु चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम। उसी प्रकार दाई दीदी क्लिनिक योजना क्या है? तो दाई दीदी क्लिनिक योजना का आरंभ कब किया गया? एग्जाम में पूछ सकता है। कौन सा स्थान है, कौन सा उद्देश्य है? तो चलिए देखते हैं। आरंभ है 19 नवंबर 2020 मुख्यमंत्री शहरी इस्लाम स्वास्थ्य योजना के तहत। स्थान 3 नगर पालिका निगमों में। कौन कौन सा है? रायपुर, भिलाई और बिलासपुर। दुर्ग को शामिल नहीं किया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो याद रखना आप दुर्ग को शामिल नहीं किया गया है। या फिर एग्जाम में इस तरह का पूछ सकता है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना में कितने नगर पालिका को शामिल किया गया है? बताएंगे रायपुर, भिलाई और बिलासपुर। ये तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस पार्ट 5 में, यह जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है और कैसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस दीजिएगा इस वीडियो में, 100 से ऊपर लाइक आना चाहिए। दाई दीदी क्लिनिक योजना जो आरंभ है आपका 19 नवंबर 2020 मुख्यमंत्री शहरी इस्लाम और स्वास्थ्य योजना के तहत। स्थान है 3 नगर निगम यानी कि 3 नगर पालिकाओं को, रायपुर, भिलाई, बिलासपुर। उद्देश्य क्या है? तो महिला कर्मचारी द्वारा महिला परिजनों यानी कि महिला मरीजों के निःशुल्क इलाज। एग्जाम में पूछ सकता है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना कब प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, या फिर कितने नगर पालिका को शामिल किया गया है। नोट क्या है? देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बार बार इसी को मैं दोहरा रहा हूँ ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, दाई दीदी क्लिनिक योजना। चलिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा, अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता हूँ तो दाई दीदी क्लिनिक योजना कब प्रारंभ किया गया है, दोहराते चलिएगा। 19 नवंबर 2020, स्थान 3 नगर निगम। कौन कौन सा? रायपुर, भिलाई, बिलासपुर। याद होना चाहिए आप लोग को, है ना, या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, कभी भी खाली समय रहोगे ना इस वीडियो को पढ़ते जाइएगा। उद्देश्य है महिला कर्मचारी द्वारा महिला मरीजों के निःशुल्क इलाज हेतु। नोट, देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक, इसीलिए मैं 2 से 3 बार इसको रिपीट किया हूँ। उसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना आरंभ 2005
उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से। प्रावधान क्या है? तो अस्पताल में प्रसव कराने वाले ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी महिलाओं को 1000 रुपये राशि दी जाएगी। महत्वपूर्ण क्या है पता आपको? जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई, ये आपका जरूरी नहीं है। प्रावधान क्या है कि अस्पताल में प्रसव कराने वाले ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये तथा शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जननी सुरक्षा योजना में अस्पताल में प्रसव कराने वाले ग्रामीण महिलाओं को पूछा जाए तो 1400 रुपये, शहरी महिलाओं को पूछा जाए तो 1000 रुपये, अब इसमें अंतर क्यों है पूछा जाए, ग्रामीण और शहरी में अंतर क्या है? तो देखिए, ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो जननी सुरक्षा योजना है, ग्रामीण के मतलब गाँव के लोग जो होते हैं, कई लोग गरीब होते हैं या कई लोग अमीर होते हैं, उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि वो गाँव के निवासी हैं, ठीक है। आप देखिएगा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो मुख्यमंत्री कन्यादान जो योजना है ना, कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 2005 से 6 में। राशि है 25,000 रुपये, लेकिन अभी इसको शायद बढ़ा दिया गया है, इसको 50,000 रुपये कर दिया गया अभी, है ना। 25,000 रुपये पहले दिया जाता था, लेकिन अब 50,000 रुपये दिया जा रहा है। उद्देश्य है निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयाँ। पात्रता क्या है? तो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार को 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की अधिकतम 2 कन्याओं को शर्त पूर्ण करने पर। मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह योजना, प्रोत्साहन राशि 1,00,000 रुपये। विशेष क्या है? पति पत्नी दोनों की निःशक्तता की स्थिति में 2,00,000 रुपये, याद रखना, ठीक है। धन लक्ष्मी योजना क्या है? तो धन लक्ष्मी योजना है कन्या शिशु जन्म दर वृद्धि हेतु संचालित योजना। फुलवारी योजना 0 से 3 वर्ष आयु के बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराना, ठीक है। वजन त्यौहार एग्जाम में पूछता है हर बार, इसको याद रखना। वजन त्यौहार प्रारंभ कब किया गया था? 2012 में। उद्देश्य है कुपोषण मुक्ति हेतु 0 से 5 वर्ष के बच्चों तक, यानी कि जन्म से 5 वर्ष के तक के बच्चों को। नोट याद रखना आप कि राज्य में 37.7% बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार संचालित विभिन्न अभियानों के परिणाम स्वरूप इसे आंकड़े में 13.79% की दर्ज की गई है, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि 2023 में कितनी है। चिरायु योजना, जो चिरायु योजना 2014 में प्रारंभ किया गया था, उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों को 4 चरणों में निःशुल्क परीक्षण कराना है। इस योजना के तहत 35 बीमारियों को प्रमुखता दी गई है, ठीक है। समेकित बाल विकास योजना जो क्या होता है, तो समेकित बाल विकास योजना, तो शुरुआत आपका 2 अक्टूबर 1975 में, याद रखना 2 अक्टूबर 1975 में। उद्देश्य है बच्चों के उचित मानसिक यानी कि मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आयु में पोषण स्वास्थ्य स्थिति सुधारना, मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर कुपोषण रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने, प्रभावित तालमेल कायम। मातृ यानी कि जो मातृ वंदना योजना है प्रधानमंत्री, 1 जनवरी 2017 में लागू किया गया था। प्रावधान है जीवित संतानों के लिए 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जाएगा, याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना है कितने किस्तों में दिया जाएगा, 3 किस्त में। महिला हेल्प नंबर लाइन, कल आपको वीडियो में बताया था, कल की क्लास में पार्ट 4 वीडियो में, कि महिला हेल्प लाइन नंबर है 181। छत्तीसगढ़ महिला कोष 2 फरवरी 2002, प्रावधान छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना 15 अगस्त 2003 से लागू की गई। संचालित योजना ऋण योजना, स्वावलंबन योजना, सक्षम योजना, एग्जाम में पूछ सकता है तीनों योजना। प्रावधान है स्व सहायता समूह को अधिकतम 50,000 रुपये 3 वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध कराना। स्वावलंबन योजना है आपका 2009 से 2010 में। प्रावधान है विधवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं को 5,000 तक का ऋण आसानी से उपलब्ध कराना। विशेष है 2017-18 में यौन उत्पीड़न एवं HIV पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग के हितग्राही को योजना के पात्र। सक्षम योजना है 2009 से 10,
प्रावधान विधवा कानून तथा तलाकशुदा 35 से 45 वर्ग अविवाद को ये आप समझ सकते हैं इतने जो 5 वर्षों में जो दिया गया है 6.5% विशेष 2020-21 में महिला हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त किया जाना है। सबला योजना जो होता क्या है, तो सबला योजना एक मिनट ना, जो सबला योजना है आपका लक्षित समूह है 11 से 18 वर्ष तथा किशोर बालिका समूह है, लक्षित है 10 जिला, देख सकते हैं 10 जिला, मैं कितना पढ़ते रहूँगा आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को याद कर लीजिएगा, वीडियो में दोबारा आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। याद रखना किशोरी शक्ति योजना 11 से 13 वर्ष लागू जिला सबला योजना संचालित जिलों को छोड़कर सभी संचालित में। प्रावधान क्या है, पहला बालिका को व्यावसायिक प्रशिक्षण, दूसरा है बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण, तीसरा है शाला त्यागी महिलाओं को आंगनबाड़ी से जोड़ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आप सभी को मालूम होगा 22 जनवरी 2015 चयन छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिला को भारत सरकार द्वारा भारत शासन द्वारा पूरे 161 चयनित जिलों में बेटी बचाओ योजना पढ़ाओ योजना लागू की गई है। याद रखना कितने जिलों में, पूरे देश में 161 चयनित जिला, ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ में रायगढ़ एवं बीजापुर में चयन किया गया है। नोनी सुरक्षा योजना कब लागू किया गया है, तो 1 अप्रैल 2014 में, इतना ये सब नहीं पूछेगा, इसको याद रखना नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया है, और ये इसको छोड़ दीजिएगा वो वाला महतारी जतन योजना देखिएगा 2016 में। तो जो इस योजना का क्रियान्वयन है ना आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाएगा, या गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक और गर्म भोजन, गर्म मतलब एकदम तिपतिप भोजन नहीं दिया जाएगा, मतलब जो खाना बनता है ना तो गर्म गर्म उसको खाना दिया जाता है। बहुत सारे योजनाएं हैं आपको याद करना पड़ेगा, महिला बाल विकास योजना से एग्जाम में पूछता है, ये क्या कमेंट कर रहा है, फालतू की बातें ना करें। सुचिता योजना छोड़ दीजिएगा, उज्ज्वल गृह योजना इसको भी छोड़ दीजिएगा, ये वाला देखिए तो एक मिनट इंग्लिश में क्या कह रहा है योजनाएं से ना। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य पहली बालिका के जन्म पर माताओं को 4,000 रुपया प्रदान किया जाएगा, उसी प्रकार तीसरा बालिका के जन्म पर 6,000, चौथी बालिका के जन्म पर 12,000 राशि प्रदान किया जाएगा, दूसरी बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये, ठीक है। याद रखना ये जितने भी है पहले से लेकर पाँचवा तक जितने भी राशि है इसको याद कर लीजिएगा, 4,000, 5,000, 6,000, 12,000, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना कब लागू की गई है, 1 मार्च 2021 में। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना जो है आपका 13 मई 2021 में, कमेंट बार बार कर रहे हैं ना, ब्लॉकेट डायरेक्ट करूँगा अब तेरे को समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना का उद्देश्य है कोविड से अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण हेतु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना के तहत प्रति जिला कितनी राशि का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो प्रति जिला 50,00,000 रुपये, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में नोनी सुरक्षा योजना कब से लागू किया गया है, तो 1 अप्रैल 2014 से। छत्तीसगढ़ की मितानिन तर्ज पर पूरे देश में संचालन होने वाला कार्यक्रम है आशा कार्यक्रम, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, यह वीडियो यहाँ तक समाप्त करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर की क्लास भी करनी है, तो आजकल इतना ही।